गायघाट पर दो दिवसीय ग्रीष्म तैराकी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। इस दो दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन 20 ग्रुपों में बच्चों ने हिस्सा लिया। 50 मीटर से लेकर 100 मीटर की प्रतियोगिता में प्रतियोगी बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि स्वामीनारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप स्वामी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय पार्षद अभिजीत भारद्वाज व NDRF के विपिन सिंह थे, जिनके हाथों से विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया और उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर गायघाट स्विमिंग क्लब के अनुभवी प्रशिक्षक विकास सानी की ओर से हाथ पर बांध लगभग आधा घंटा गंगा पार करके अपनी तैराकी कुशलता का उदाहरण पेश किया गया। इस अवसर पर राजेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, आनंद पाठक, रामलीला कमेटी गायघाट, मदन साहनी, रामजी साहनी, श्रीपति मिश्रा, राजेश रानी, चेतन कंकड़, अनिल यादव, आदित्य आदि उपस्थित थे। गायघाट के पावन तट पर हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी तैराकी का कंपटीशन हुआ। ये तैराकी हमारे मदन भैया और हमारे रामजी भैया सैकड़ों बच्चों को शिक्षित करते हैं, तैराकी का हुनर सिखाते हैं, फिर उन्हीं बच्चों को यहाँ पे कंपटीशन के रूप में प्रोत्साहित करते हैं और जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। और आपको इसी घाट पे एक और चीज़ देखने को मिली होगी कि एक 15 साल का लड़का जो कि अपने हाथ पैर को बांध करके बीच गंगा से बिना किसी सहयोग के तैर के घाट के गंगा तट तक आया, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और जो कि आपको केवल इसी घाट पर ही देखने को मिलेगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी।